अब मैं सागर मल साहब से निवेदन करूंगा कि सागर साहब का बड़ा उड़ा के स्वागत करें, ताजा बत्ती रहनी चाहिए आप सबकी। अब एक ग्रुप फोटो पहले ले लो। माँ शारदे को नमन। माँ शारदे के लिए एक मेरे शब्दों का माल्यार्पण है। गर्भवत हो करता हूँ माँ शारदे को मैं नमन, विद्या दायिनी विना वादनी करता हूँ मैं अभी। मुझ अज्ञानी को हे माँ ज्ञान का दान करो, मैं तो हूँ एक ना समझ अब बुद्धि प्रदान करो। मैं अविवेकी विद्या का जनहित उपयोग कर पाऊँ, हे माँ बस यही सर्वदा मुझ पर तुम एहसान करो। तेरे चरणों में ही होगा सफल मेरा ये जीवन, गर्भवत हो करता हूँ माँ शारदे को मैं। शुक्ल वर्ण शुक्लाम्बरा वीणा पुस्तक धारिणी, श्वेत पद्मासना हे माँ पुण्य पावन वाणी। इस जग को वाणी मिली मधुर नाद आपसे, राग रागिनी शब्द ज्ञान वाणी कला दाय में। हे सरस्वती वागेश्वरी तन मन धन है अर्पण, करबद्ध हो करता हूँ माँ शारदे को नमन। बुद्धि बुद्धि प्रज्ञा मनोवृत्ति की आप ही हैं संरक्षिका, आचार और मेधा हमारी करती सदा आप रक्षा। साहित्य संगीत कलाओं का है उद्गम आपसे, विचारणा भावना संवेदना की देती हैं आप शिक्षा। भौतिक बौद्धिक विकास विकास हो संपन्न, गर्भवत हो करता हूँ माँ शारदे को। अभी आगे की हम कार्यवाही करते हैं। सबसे हमारे लिए बहुत शुभ हो, हमारी संस्था के लिए बहुत शुभ हो। जैसा कि इकबाल साहब ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा नए साल के लिए क्या प्रोग्राम है, हम सभी को मेहनत करके करना है। हमारे नए अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ इनके मार्गदर्शन में, जो कि बहुत ही बड़ा इनका खजाना है। हम सब पूरी मेहनत के साथ इनको सपोर्ट करेंगे और हमारी संस्था बहुत आगे जाएगी। अब क्योंकि वैसे तो सम्मानित मंच का हम सबसे बात के अंदर आशीर्वाद लेते हैं, पर आज किसी वजह से मैं इसाक फोकस साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपनी रचना को सुनाएं। शक्ले इंसान में है शैतान, बड़ी मुश्किल है आज इंसान की पहचान। बड़ी मुश्किल है आज इंसान की पहचान, बड़ी मुश्किल है। प्यारी गीता है ना कुरान, बड़ी मुश्किल है। प्यारी गीता है ना कुरान, बड़ी मुश्किल है। प्यारा गालिब का है दीवान, बड़ी मुश्किल है। प्यारा गालिब का है दीवान, बड़ी मुश्किल है। गैर से हो जो परेशान तो कोई बात नहीं, गैर से हो जो परेशान तो कोई बात नहीं, अपने अपनों से परेशान। कैसे क्या हो गया इंसान, देख कर अपने हैरान। कत्लो गारत गरी असमत दरी दहशत गरी, कत्लो गारत गरी असमत दरी दहशत गर्दी, आदमी बन गया हैवान। बड़ी मुश्किल है क्या इंसान, बड़ी मुश्किल है। ये हया सोज नज़ारे ये मनाजिर उरियां, ये हया सोज नज़ारे ये मनाजिर उरियां, बेहयाई कहे तूफान। बड़ी मुश्किल है बेहयाई कहे तूफान, बड़ी मुश्किल है। आज लुटती है सरे आम या इज्जत अस्मत, आज लुटती है सरे आम यहाँ इज्जत अस्मत, बाज आते नहीं शैतान। बड़ी मुश्किल है कैसे क्या हो गया इंसान, बड़ी मुश्किल है। दौरे हाजिर में ये महंगाई का आलम सोबा, दौरे हाजिर में
कैसे क्या हो गया इंसान, बड़ी मुश्किल है। लौट कर फिर से ये अय्याम जवानी आए, लौट कर फिर से ये अय्याम जवानी आए, इसका मुतलक नहीं इंकार, इसका मुतलक नहीं इंकार, बड़ी मुश्किल है। कर रहा अपने ही हाथों से मुहैया इंसान, कर रहा अपने ही हाथों से मुहैया इंसान, अपनी बर्बादी का सामान, बड़ी मुश्किल है। बर्बादी का सामान बड़ी मुश्किल है। एटमी दौर है, अंधा है हरदम, एटमी दौर है, अंदेशा है हरदम लाहक, दुनिया बन जाए न शमशान, दुनिया बन जाए न शमशान, बड़ी मुश्किल है। दौर हाजिर में किसी का न भरोसा साहिब, दौर हाजिर में किसी का न भरोसा साहिब, कौन कर दे दे ईमान, बड़ी मुश्किल आए है। बहुत बढ़िया, बड़ी मुश्किल है। मक्का किया कोई ताजिर, कोई नेता, कोई अफसर फुरकत, अरे वाह, कोई ताजिर, कोई नेता, कोई अफसर फुरकत, जिसको देखो वही बेईमान, बड़ी मुश्किल है। जिसको देखो वही बेईमान, बड़ी मुश्किल है। बड़े इंसान मेरे शहर, बड़ी मुश्किल है। आज आपकी पहचान, बड़ी मुश्किल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो, जय भारत। आप सभी कवियों और शायरों को मेरा नमन। एक गजल के चंद अशआर लिखिएगा। जिंदगी ऐसी हमारी चल रही है, जिंदगी ऐसी हमारी चल रही है, जिंदगी ऐसी हमारी चल रही है, सब तुम्हारी ही तुम्हारी चल रही है, सब तुम्हारी ही चल रही है। सांस चलती है तो लगता है हमको, सांस चलती है तो यूं लगता है हमको जैसे सीने में आरी चल रही है। हाय हाय, सांस चलती है तो यूं लगता है हमको जैसे सीने में आरी चल रही है। हर नए दिन एक बला का सामना है, हर नए दिन एक बला का सामना है, क्या जवानी की सवारी चल रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। हर नए दिन एक बला का सामना है, क्या जवानी की सवारी चल रही है। कुछ समझ के काम ले कल देख मेरा, कुछ समझ के काम ले कल देख मेरा, हाँ अभी तो कुछ उदारी चल रही है। हाय हाय हाय, कुछ समझ के काम ले कल देख मेरा। अरे बहुत बढ़िया, अभी तो कुछ उदारी चल रही है। बहुत बढ़िया मनीष भाई। तुम्हें जाने नहीं दे सकता दिल में, अब तुम्हें जाने नहीं दे सकता दिल में, दिल में, दिल के अंदर मारा मारी चल रही है। अब तुम्हें जाने नहीं दे सकता दिल में, बहुत खूब है। दिल के अंदर मारा मारी चल रही है। एक गजल की ओर देखिएगा सर। स्वागत। उसके खत को सजा रहे हैं हम, अपने घर को जला रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह। उसके खत को सजा रहे हैं हम, अपने घर को जला रहे हैं, अपने घर को जला रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। नक्शे में छोड़कर गली तेरी, नक्शे में छोड़कर गली तेरी, बाकी नक्शा मिटा रहे हैं। आए हाय, नक्शे में छोड़कर गली तेरी, बाकी नक्शा मिटा, बाकी नक्शा मिटा रहे हैं हम। लौट कर वो कभी नहीं आया, लौट कर कभी नहीं, वो कभी नहीं आया, अपनी हसरत सुला रहे हैं हम। लौट कर वो कभी नहीं आया, अपनी हसरत सुला रहे हैं हम। लोग ताली बजा रहे हैं सब, लोग ताली बजा रहे हैं सब, ये वैसे दिखा रहे हैं हम। लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत बड़ी बात, लोग ताली बजा रहे हैं सब, ये वैसे दिखा रहे हैं हम। पहले कागज पे एक गजल लिखी, पहले कागज पे एक गजल लिखी, अब वो कागज उड़ा रहे हैं हम।
पहले कागज पे एक गजल लिखी, अब वो कागज उड़ा रहे हैं हम। आज फिर अपनी रात काली है, आज फिर अपनी रात काली है, गम गले से लगा रहे हैं। आज फिर अपनी रात काली है, गम गले से लगा रहे हैं हम। ये गजल नज्म शेर मेरे है, ये गजल नज्म शेर मेरे है, देखो कितना कमा रहे हैं। ये गजल नज्म शेर मेरे है, देखो कितना कमा रहे हैं हम। आखिरी में गजल और आपसे इजाजत, बस गली मोहल्ले में ही अपना नाम क्यों करें। बस गली मोहल्ले में ही अपना नाम क्यों करें, बस गली मोहल्ले में ही अपना नाम क्यों करें, शायरी करेंगे हम तो खानदानी काम क्यों करें। अरे बहुत खूब, बस गली मोहल्ले में ही अपना नाम क्यों करें, शायरी करेंगे हम तो खानदानी काम क्यों करें। अपनी जिंदगी तुम्हारे में गुलाम क्यों करे, अपनी जिंदगी तुम्हारे में गुलाम क्यों करे, तुम कहो जो क्यों करे, तुम्हें सलाम क्यों करे। अपनी जिंदगी तुम्हारे में गुलाम क्यों करे, तुम कहो जो क्यों करे, तुम्हें सलाम क्यों करे। ये गजल की जान, ये शेर दिखेगा, तुम कहो जो क्यों करे, तुम्हें सलाम क्यों करे। मरने वालों यूं नहीं जी जाती जिंदगी, सुनो। मरने वालों यूं नहीं जी जाती जिंदगी, सुनो। यू करो कि खैर छोड़ो, नेक काम क्यों करे। मरने वालों यूं नहीं जी जाती जिंदगी, सुनो। मरने वालों यूं नहीं जी जाती जिंदगी, सुनो। यू करो कि खैर छोड़ो, नेक काम क्यों करे। उसके आने से वहां पे धूम मच गई है अब। उसके आने से वहाँ पे धूम मच गई है अब, हम भी अब वहाँ पे जाके धूमधाम क्यों करें। उसके आने से वहाँ पे धूम मच गई है अब, हम भी अब वहाँ पे जाके धूमधाम क्यों करें। एक रोज हम गजल अधूरी रखकर सो गए, एक रोज हम गजल अधूरी रखकर सो गए, रोज रात भर हमी से हम कलाम क्यों करें। बहुत खूब, बहुत खूब यार, बहुत अभी तक हम सुनते आए थे कि गजल के अंदर दर्द होता है, दुख होता है, मोहब्बत होती है, बहुत सारी बातें होती है। पर इकबाल साहब, ये जो जवानी की अलर्ट मस्ती और जो बेफिक्री है, वो आज आपने अपने शब्दों में बहुत अच्छा बयान किया। बहुत अच्छे मतलब कहे, आपकी कलम क्या कहती है, आपकी कलम क्या कहती है, हम सबको भी हो जरा ये पता, यही बात फरमाने आ रही है हमारे बीच अमृता। बच्चों को सीख देती है कि ऐसा किया नहीं करना चाहिए, जब तक उनके सहते हैं तब तक उन चीजों की कभी वैल्यू नहीं होती है, और जब उनसे दूर हो जाते हैं उनकी हर बात याद। तो उसी पे मेरी ये कविता है कि माँ की दी हर सीख जीवन में काम आती है, माँ की दी हर सीख जीवन में काम आती है, माँ की कही हर बात परीक्षा की घड़ी में साथ निभाती है। हंस दिया करते हैं हम माँ से, हंस दिया करते थे हम माँ से सुनी जिन कहानियों पर, जिन बातों पर, अब वे किस्से बनकर सच होते नजर आते हैं। माँ की कही हर बात अब याद आती है। कहती है माँ, कहती है माँ, ये जो आगे की पंक्तियां हैं वो जो मेरी माँ मुझे बचपन से बोला करती थी, वो सब एक एक चीज को मैंने सोच के लिखा है। कि कहती है माँ, जिंदगी नहीं इतनी आसान, बुरा नहीं वर्तमान को खुलकर जीना, पर बेटा सुनहरे भविष्य के लिए सोच सदैव अपनी दूरदर्शी ही रख। कहती है माँ, कहती है माँ कि बेटा आत्मविश्वास रखना, साहसी बनना, पर समय एक ऐसी चीज है जिससे जरूरी है डरना। कहती है माँ कि जो नीचे झुकता है वही ऊपर उठता है, जो नीचे झुकता है वही ऊपर उठता है, और जो ऊपर उठ जाओ फिर भी नीचे देखकर ही चलना, वरना रास्ते में पड़े पत्थरों की ठोकरों को पड़ेगा झेल। कहती है माँ कि जो जिंदगी में कहीं अटक जाओ, कुछ समझ ना आए, तो बेहतर होगा किसी से बात कर लेना। आज की जनरेशन जो नहीं करती है,
उनके लिए कि जिंदगी में कहीं अटक जाओ, कुछ समझ ना आए तो बेहतर होगा किसी से बात कर लेना, पर किसको कितना बताना है, किसको क्या जताना है, याद रखना उसकी भी होती है एक सीमा। कहती है माँ कि शर्म दया संस्कार हो, सहनशीलता या फिर हो उपकार, होगी ऐसे अनगिनत जीवरों की तुम पर बौछार, पर एक बात याद रखना, एक बात सदैव याद रखना, आत्मसम्मान ही होता है एक नारी का सबसे बड़ा गहना। आगे है कि माँ बच्चों को सिखाती है जीवन जीने की कला, जो सीखने के लिए हम बड़े बड़े MBA कॉलेज में जाते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बच्चों को सिखाती है जीवन जीने की कला, पर बच्चे हैं काम है जिनका करना गलतियाँ, पर बच्चे हैं काम है जिनका करना गलतियाँ, गलती कर पछताना और फिर माँ की हर बात याद आ जाना। खैर माँ ये भी कहा करती है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, दूध का जला चाच भी फूंक कर ही पीता है। बहुत अच्छी कविता थी और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे ख्याल से अगर आपकी माता जी ने कविता पढ़ी होगी तो जरूर आशीर्वाद देंगी कि आपने मतलब उनको एक बहुत अच्छा सा उपहार तोहफा दिया है। और कभी अपन बोलते हैं कि कोई चीज काल से ही दिखती, तो ये चीजें काल से ही है, कल आपके बच्चे इसको पढ़ेंगे, फिर वो अपनी दादी की बातें करेंगे, फिर परदादी की बातें करेंगे, तो हम सब अपने माँ बाप गुरु के ऐसे शुभ दिन हो तो ऐसी रचनाएं जरूर जरूर करें। इसी क्रम के अंदर जो हमारी पंखुड़ी है और जो फूल और जो क्यारियाँ महक रही है, मैं असल मस्जिद मतला है आगे के शेर में सिलेक्ट कीजिएगा, ताज़ा है कि बड़े ये बड़े लोग हैं बड़ी बात करते हैं, ये बड़े लोग बड़ी बात करते हैं, ये लोग बड़ी बात करते हैं, मुफलिस की मुफलिसी भी बात करते हैं, मुफलिस की भी बात करते हैं। एक शेर देखिए एकदम ताज़ा है, किसी के हिजर में ज़ारो कतार रोता था, किसी के हिजर में ज़ारो कतार रोता था और मेरे साथ में ये दिले बीमार होता था। हिजर में ज़ारो कतार होता था और मेरे साथ में ये दिले बीमार होता था, दिन में नौकरी इजाज़त नहीं देती थी, दिन में भी इजाज़त नहीं देती थी, रात में तीन चार बार रोता था। अच्छा वाह 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 वाह, दिन में नौकरी इजाज़त नहीं देती थी। इसे देखें कि मैं ये समझा कि दोस्ती गर्मा रही है, मैं ये समझा कि दोस्ती गर्मा रही है, उधर तो मोहब्बत जहर खा रही है। क्या बात है, क्या बात है, मैं ये समझा कि दोस्ती गर्मा रही है, उधर तो मोहब्बत जहर खा रही है, न जाने मुझे क्यों तेरी ही नजर से, न जाने मुझे क्यों तेरी ही नजर से, तेरी फोटो कब से भूले जा रही है, न जाने मुझे क्यों कब से तेरी ही नजर से तेरी फोटो भूले जा रही है, जुदा होने वाले मेरी बात तो सुन, जुदा होने वाले मेरी बात तो सुन, तू आ या ना तेरी याद आ रही है। बहुत बढ़िया, जुदा होने वाले मेरी बात तो सुन, तू आ ना तेरी याद आ रही है, पड़ोसी की दीवार जो ऊंची हो रही है, पड़ोसी की दीवार जो ऊंची हो रही है, गरीब को महसूस गरीबी हो रही है। पड़ोसी की दीवार जो ऊंची हो रही है, गरीब को महसूस गरीबी हो रही है, लोगों के सर पे जूते रखा करती थी, लोगों के सर पे जूते रखा करती थी, वो लड़की अब इश्क में कैसी हो रही है, लोगों के सर पे जूते रखा करती थी, वो लड़की अब इश्क में कैसी हो रही है, मुद्दतों बाद उसके हाथों को थामा है, मुद्दतों बाद उसके हाथों को थामा है, जाने क्यों ये हथेली ठंडी हो रही है, मुद्दतों बाद उसके हाथों को थामा है, जाने क्यों ये हथेली ठंडी हो रही है, उस घर में कोई फांसी खाने वाला है, उस घर में कोई फांसी खाने वाला है, उस घर में कोई शादी हो रही है, उस घर में कोई फांसी खाने वाला है, घर में कोई शादी हो रही है। आखिरी शेर देखिए, मक्का देखिएगा कि घर में कोई शादी हो रही है, एक आवाज़ जो लौट के कभी ना आई, एक आवाज़ जो लौट के कभी ना आई, असद अबूट स्कूल में देरी हो रही है, आवाज़ जो लौट के कभी ना आ रही, असद अबूट स्कूल में देरी हो रही है, पूरी दुनिया इजाफी है मेरे लिए,
इजाफी कहते हैं एक्स्ट्रा, पूरी दुनिया इजाफी है मेरे लिए, एक तेरा होना काफी है मेरे लिए। अरे वाह, पूरी दुनिया इजाफी है मेरे लिए, एक तेरा होना काफी है मेरे लिए। मैं हूँ बीमार इस हिजरे के चलते सो, मैं हूँ बीमार इस हिजरे के चलते सो, तुझसे बोसा भी शाफी है मेरे लिए, तुझसे बोसा भी शाफी है मेरे लिए। देखिए कि सब शुरू में हमसे अच्छा बोलते हैं, सब शुरू में हमसे अच्छा बोलते हैं, बेसबब फिर उल्टा सीधा बोलते हैं। सब शुरू में हमसे अच्छा बोलते हैं, बेसबब फिर उल्टा सीधा बोलते हैं। रात जंगल में गुजारी तो ये पाया, पेड़ एक दूसरे से कितना बोलते हैं। रात जंगल में गुजारी तो ये पाया, पेड़ एक दूसरे से कितना बोलते हैं। मतलब देखिए कि निगाहों से बचने का रास्ता निकाला, निगाहों से बचने का रास्ता निकाला, मेरे सामने उसने पर्दा निकाला। अरे भाई, निगाहों से बचने का रास्ता निकाला, मेरे सामने उसने पर्दा निकाला। किसी गेट ने तोड़ा था दिल, फिर उसने यहाँ घर की औरत पे गुस्सा निकाला। मेरे सीने को छल्ली करने वाले शख्स जरा सुन ले, मेरे सीने को छल्ली करने वाले शख्स जरा सुन ले, पुराने जख्म दुखाए थे हमने, मैं आया था बट गुजारने फुरकत तेरी, तेरे साए बिस्तर पे सुलाए थे हमने, आया था भटक कर पास तेरे में, मांगी थी रिश्तों की भीख हमने, तुझसे बिछड़ने पर याद मेरे खुदा को किया था नजदीक हमने, क्या तुझे मेरा दामन खाली नहीं दिखता, क्या वो कमरे में तेरी कलाई भी नहीं टिकता, हिजर की रात में मुझे साथ नहीं होता किसी का, मेरी बाइक पर कोई बैठता नहीं, कंधे पर हाथ नहीं होता किसी का, तुम अगर आ भी जाओ तो क्या मिलेगा तुम्हें, बस एक शख्स इस घर में मरा मिलेगा तुम्हें, हमारी फितरत तो फूलों को उजाड़ने की है, जाना मेरे करीब तो गम बड़ा मिलेगा तुम्हें, तेरा मेरा अक्स तुझे छू के गुजर जाए कभी, तो मेरी याद में लौट के घर जाए कभी, तुझे मेरे यतीम होने का अंदाजा तब होगा, तेरी आंखों के सामने तेरा कोई अपना मर जाएगा। और इकबाल साहब, मेरे ख्याल से नए साल की शुरुआत में अगर ऐसे यंग जो ऑलरेडी लग रहा है कि ना आप हीरे की तरह चमक रहे हैं, इनसे शुरुआत हो तो फिर हमारे डेफिनेटली हमारी नवगति दोस्ती संस्था बहुत आगे जाएगी। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप आते रहें, जिससे कि आपके ये हीरे के अंदर चमक है उस पर और धार लगती है। इसी यंग लोगों के क्रम के अंदर मेरे कार्य जो खिलोते हैं शब्दों के, मुझे सुकून मिलता है। मेरे कार्य जब खिलोते हैं शब्दों को, मुझे सुकून मिलता है। मेरे गीत जब भिगोते हैं, मेरे गीत जब भिगोते हैं दरख्तों को, मुझे सुकून मिलता है। मेरे गीत जब भिगोते हैं दरख्तों को, मुझे सुकून मिलता है। मेरी कहानियाँ गर्भ में बांटती है संस्कार, मेरी कहानियाँ गर्भ में बांटती है संस्कार। मेरे लेख जब करते हैं प्रगति की पुकार, मेरे लेख जब करते हैं प्रगति की पुकार, मुझे सुकून मिलता है। मेरी गजलें वसुधा श्रृंगार करती है, मेरी गजलें वसुधा श्रृंगार करती हैं, मेरी कविताएं जीवन अमृत में रमती हैं, मेरी कविताएं जीवन अमृत में रमती हैं, मुझे सुकून मिलता है। सृष्टि को सृष्टा बनाने का जुनून, मात्र शब्द से अर्थ हो जाने का सुकून, मेरी भक्ति कर्म ज्ञान क्रिया सुंदर समाज का सृजन करते हैं, तो मुझे सुकून मिलता है। Thank you.
सफर में मेरे साथ चलने में तुम्हें तकलीफ हो सकती है। सफर में मेरे साथ चलने में तुम्हें तकलीफ हो सकती है। मेरी स्पष्टवादिता तुम्हें खल सकती है। मेरी स्पष्टवादिता तुम्हें खल सकती है। मेरे साथ चलने से पहले तुम्हें सोचना मेरे साथ चलने से पहले तुम्हें सोचना होगा। आसानी से ठहर नहीं मिल पाएगी मन की। आसानी से ठहर नहीं मिल पाएगी मन की। मेरे अंतर की परतों को एक एक करके खोलना होगा। मेरे अंतर की परतों को एक एक करके खोलना होगा। कभी ठहरना होगा अचानक दौड़ना कभी ठहरना होगा अचानक दौड़ना होगा। कभी बढ़नी होगी खामोशी कभी बढ़नी होगी खामोशियाँ। कभी साथ मेरे बोलना होगा कभी बढ़नी होगी खामोशियाँ। कभी साथ मेरे बोलना होगा। मैं जितनी जटिल हूँ उतनी ही सरल मैं जितनी जटिल हूँ उतनी ही सरल हूँ। पकड़ कर नब्ज मेरी मुझे टटोलना पकड़ कर नब्ज मेरी मुझे टटोलना होगा। मन के तमाम भावों को तरतीब से तोड़ना होगा। मन के तमाम भावों को तरतीब से तोड़ना होगा। बिना स्वार्थ के साथी हो सकोगे स्वाति के बिना स्वार्थ के साथी हो सकोगे स्वाति के। उत्कोच के अभाव में ही ये रिश्ता जोड़ना होगा। उत्कोच के अभाव में ही ये रिश्ता जोड़ना होगा। थक गए ना सुनने में ही इसलिए कहती हूँ मेरे साथ का सफर इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहती हूँ मेरे साथ का सफर इतना आसान नहीं है। ठहर जाओ अभी भी बीच राह में फिर कहना देना। ठहर जाओ अभी भी बीच राह में फिर कहना देना कि मुझे ये साथ चांद नी रात को बस आसमान को निहारते रहो तो ठंडक मिलती है। आपके शब्दों में वही ठंडक हमारे दिलों को। अब हमारे बीच में एक ऐसे शांत रहते हैं स्थिर रहते हैं और कभी कभी खुद को मंत्र के जो गजल निकालते हैं तो उसी सागर के मंथन से जो गजल निकलती है मैं सागर साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं। मां शारदे को नमन। सम्मानित मंच अदब की महफिल में सभी का आदर करता हूं। मैं चंदाशार आपके सामने पेश करता हूं। स्वागत कि बस्ती मेरे ख्वाबों की जला दी है किसी ने। अरे वाह बस्ती मेरे ख्वाबों की जला दी है किसी ने। आग खुद नहीं बढ़ की है किसी ने। जला दी है किसी ने। आग खुद नहीं बढ़ी आग खुद नहीं बढ़की हवा दी है किसी ने। हवा दी किसी ने। इस जमाने पे जो एहसान बने रहते हैं इस जमाने पे जो एहसान बने रहते हैं जो बुरे वक्त में भी इंसान बने रहते हैं। आए अरे वाह इंसान हम तो गलती पे भी होते हैं बड़े शर्मिंदा। हम तो गलती पे भी होते हैं बड़े शर्मिंदा। वो गुनाह करके भी अनजान बने रहते हैं। वो गुनाह करके भी अनजान बने रहते हैं। वो गुनाह करके भी अनजान बने रहते हैं। एक चंद्रशार मैं जब प्रवचन करने जाता हूँ हमारे प्रशिक्षण दिनों में तो एक धर्म सभा की मर्यादा होती है। हम मस्जिद में जाते हैं सिर पे टोपी या कोई तो हमारे धर्म सभा भी बहुत सी बहने पहले मैंने क्षमा मांगी कब सभी बहने से ढंग के आएगी। उसमें एक दो बार कहा फिर मैंने चंद्रशार बनाया कि सर से आंचल गायब है। सर से आंचल गायब है आंखों से जल गायब है। मौजूदा दरवाजों की सर से आंचल गायब है। आंखों से जल गायब है। मौजूदा दरवाजों की अब इक्की सांकल गायब है। मौजूदा दरवाजों की सांकल गायब है। सब बलों के छल बल से ही
निर्बल का बल गायब है, सबलों के छबल से ही निर्बल का बल गायब है, चालाकी के प्रचलन से चालाकी के प्रचलन से सच्चा कुशल गायब है, पल पल में रहकर भी वो क्यों हर पल गायब है, खेतों पर बिन बरसे ही बादल का दल गायब है, सता था बरसों से सागर सता था बरसों से सागर, बस वह पागल गायब वह बस वह पागल गायब है, बस वह पागल गायब है, एक चंद अशार अपना चेहरा उदास मत रखना, दर्द के आस पास मत रखना, अपना चेहरा उदास मत रखना, दर्द के आस पास मत रखना, चैन से चाहता है अगर छीना, हसरते बेलिबास मत रखना, हसरते बेलिबास मत रखना, एक गीत पढ़ता हूँ आज, आज जो हमारा संगठन बना है वह दर्शन बात कि आओ हम कुछ खास मनाएं, लुप्त हो चला धीरे धीरे रिश्तों का विश्वास मनाएं, आओ हम कुछ खास मनाएं, लुप्त हो चला धीरे धीरे रिश्तों का विश्वास मनाएं, रिश्ते जो मैका करते थे गांव गांव तक नगर नगर तक, आज उन्हीं के कुमलाने की आठ आहट आ पहुँची एक तक, सींचे पौध भावनों की बगिया दिल के पास बनाएं, आओ हम कुछ खास बनाएं, लुप्त हो चला धीरे धीरे रिश्तों का विश्वास बनाएं, बहुत खूबसूरत थे वो पल बहुत खुश हुए वो पल, बिल्कुल सुंदर सपने जैसे, जहाँ दुखे सुख भी लगते थे अपने जैसे, जहाँ दूसरों के सुख दुख भी लगते थे अपने जैसे, जैसे ही दिन वैसी रातें वही धरा आकाश बनाएं, लुप्त हो चला धीरे धीरे रिश्तों का विश्वास बनाएं, पलटे कुछ अतीत के पन्ने महका मौसम फिर से छूले, जहाँ छूट जाती थी पीछे अपनों की बहुत देरी भूले, फिर उन्मुख ठाकों वाला हरा भरा मधुबास बनाए, लुप्त हो चला धीरे धीरे रिश्तों का विश्वास बनाए, महका वो महके मन की वो क्यारी जिसमें खुशी उगा करती है, शब्दों की वो फसल न बोए जिससे ठेस लगा करती है, मन को बाए छुए कभी ना ऐसा आस प्रयास बनाए, लुप्त हो चला धीरे धीरे रिश्तों का विश्वास बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आनंदित करता हूँ जो हम सबको बुला रहे हैं संजय पठान पधारे और अपने कलाम से सभी को नवाजे। अपने आप को बहुत छोटा मान रहा हूँ कि मैं क्या सुनाऊँ, तो एक डर बिन बिन बड़ चेतन अब ही सब बदलते स्वरूप नया लगता हर पल क्षण, करता यतन बदन साथ के परिवर्तन, कह संजय देवेश यहीं तो बदलती है दृष्टि, बदले जब इंसान बदल जाती है यही सृष्टि। एक रचना क्योंकि ठंड का मौसम है, अभी धूप भी खत्म हो गई, ये चुभती सर्द हवाएं जिस्म को ठिठुरा रही हैं, सुबह की गुनगुनी धूप बदन को खूबा रही है, दोपहर को सकूदे सूरज की किरणों का लिहाफ रातों को मेरे महबूब की वो बाहें याद आ रही है, आफताब की वो आग अब ठंडी सी हो गई फील हो रहा है ये नम बर्फीली शरद हवाएं उसको भिगा रही है, सुबह की गुनगुनी धूप बदन को खूब पा रही है। अल्लाह के देखिए, मेरा आह बोलना
मेरा आह बोलना भाप बन गया उड़ गया जुबान से, मेरा आह बोलना भाप बन उड़ गया जुबान से, वो काप रही ठंड से ये देख मुस्कुरा रही है, वो काप रही है ठंड से पर ये देख मुस्कुरा रही है। एक थोड़ा सा दार्शनिक, न गर्म कपड़े न बिछौना पर चुने तिनके तिनके, जैसा कि आप लोग लिखते हैं मैंने भी कोशिश किया, न गर्म कपड़े न बिछौना पर चुने तिनके तिनके, एक माँ बच्चों के खातिर अलाव जला रही है, क्यों रोक ली सर्द हवाएं इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने, क्यों रोक ली सर्द हवाएं इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने, बन के बर्फ ठहर गई उसकी हस्ती छुपा रही है, बन के बर्फ ठहर गई उसकी हस्ती छुपा रही है, ओस कोहरा धुंध हवा अच्छी लू के थपेड़ों से, ओस कोहरा धुंध हवा अच्छी लू के थपेड़ों से, जलते हैं रूह बदन को कुछ ठंडक पहुंचा रहे हैं। वाह वाह, देखिए अगला शेर हो सकता है कि आपके हनीमून में काम आए और हमारे हनीमून में बीत चुकी है। रुई के फाहों सी ताजी बर्फ, रुई के फाहों सी ताजी बर्फ हाथों से फेंक रही सागर साहब वो जमाना, रुई के फाहों सी ताजी बर्फ हाथों से फेंक रही, वो मुझ पे मानो कुदरत की दौलत लुटा रही है, ये चुपती सर्द हवाएं जिसको ठिठुरा रही है। लास्ट वाला शेर जबकि सुना होगा महफिल की नजर है पर ये मेरी नजर है क्योंकि मेरे जैसों के लिए लिखा है, एक प्याला संग हम सफर, एक प्याला संग हम सफर, गजल का सरूर है देवेश पे सारे जमाने की मधोसी छा रही है, देवेश पे सारे जमाने की मधोसी छा रही है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक उस शख्सियत को जो कि विश्व स्तरीय है, गजल आराम से हमको लगता है कि इनको सुनते रहे, इनको लगातार ही नहीं सुने, इनकी एक एक गजल को बार बार सुनते रहे, तो मैं अकेला इतना समर्थ नहीं हूँ कि इन्हें आमंत्रित कर सकूँ, तो आप सभी के सहयोग से मैं आमंत्रित करता हूँ इकबाल साहब को, वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने कुछ नया, चाहे दो ही पंक्तियाँ हों लेकिन नया कहने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमारा जो नव पंक्ति है वो सार्थक रहे। मैं कुछ मुख्तलिफ मतले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तुझे जो मेरा हर ऐब प्यारा लगा, अरे वाह, तुझे जो मेरा हर ऐब प्यारा लगा, मुझे ये तेरा फरेब प्यारा लगा। तुझे जो मेरा हर ऐब प्यारा लगा, मुझे ये तेरा फरेब प्यारा लगा। और देखिए कि मेरे जख्मों को हरा रहने दो, मेरे जख्मों को हरा रहने दो, हम दर्दी मरहम जरा रहने दो। क्या बात, क्या बात, मेरे जख्मों को हरा रहने दो, हम दर्दी मरहम जरा रहने दो। और मतलब देखिए कि मैं नदी की धार सा बहता रहा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मैं नदी की धार सा बहता रहा, ऐ किनारो थाम लो कहता रहा, मैं नदी की धार सा बहता रहा, ऐ किनारो थाम लो कहता रहा। लोग से देखिए कि झूठी कसम उठाकर क्या काम कर गया, झूठी कसम उठाकर क्या काम कर गया तू, विश्वास का घरौंदा नीलाम कर गया तू। और एक गजल शेर, जमीन से भी जुड़े रहना फलक पर भी नहीं, अरे वाह, जमीन से भी जुड़े रहना फलक पर भी नजर रखना, नजर नीची हो अलबत्ता सितारों की खबर रखना, नजर नीची सितारों की खबर रखना, और मुसाफिर सब तुझे माली दुआ देते हुए जाएं, मुसाफिर सब तुझे माली दुआ
दुआ देते हुए जाएं, सुहानी छांव दें सबको, चमन में वो सजग रखना, सुहानी छांव दें सबको, चमन में वो सजग रखना। और उसे घर याद जब आए वहीं से लौट कर आए, उसे घर याद जब आए वहीं से लौट कर आए, दरीचे और दरवाजे खुले हाथों पहन रखना। क्या बात है, उसे घर याद जब आए वहीं से लौट कर आए, दरीचे और दरवाजे खुले हाथों पहन रखना। उसे देखिए कि बहुत दिन बाद आए हो, जरा ठहरो चले जाओ, बहुत दिन बाद आए हो जरा ठहरो चले जाना, अजी अच्छा नहीं होता सदा सबके सफर, बहुत दिन बाद आए हो जरा ठहरो चले जाना, अजी अच्छा नहीं होता सदा सबके सफर रखना। उसे देखिए कि पढ़ा अखबार तो मुझको, लिखी चिट्ठी लिखा उसने, पढ़ा अखबार तो मुझको, लिखी चिट्ठी लिखा उसमें, बनो चाहे खबर पहली पता ढका मगर रखना। पढ़ा अखबार तो मुझको, लिखी चिट्ठी लिखा उसमें, बनो चाहे खबर पहली पता ढका मगर रखना। और अगर होते हरफ तनहा यूही बेहिस खड़े होते, अगर होते हरफ तनहा यूही बेहिस बेतकलीफ बेहिसास, अगर होते हरफ तनहा यूं ही बेहिस पड़े होते, इजाफे के लिए लाजिम हुआ जेरो जबर रखना। अगर होते हरफ तनहा मात्राएं किसी से इजाफा बढ़ता है, वरना वही पढ़े रहते, कह है तो कहीं पढ़ा रहता, का नहीं बनता, कभी नहीं बनता, अगर होते हरफ तनहा यूं ही बेहिस पड़े होते, इजाफे के लिए लाजिम हुआ जेरो जबर रखना। और एक नई ताज़ा गज़ल जो आज ही, अरे वाह, ज़हन की एक घड़ी बड़ी होगी, ज़हन की एक घड़ी बड़ी होगी, आँख से आँख जब लड़ी होगी, चैन की एक घड़ी बड़ी होगी, आँख से आँख जब लड़ी होगी। फिर देखिए, लेके अंगड़ाई बदगुमानी में, लेके अंगड़ाई बदगुमानी में, जब कोई नाज़नी खड़ी होगी, लेके अंगड़ाई बदगुमानी में, जब कोई नाज़नी खड़ी होगी। वो अगर ओढ़ ले चुनर सादा, वो अगर ओढ़ ले चुनर सादा, हीरे मोती से वो जड़ी होगी, अगर ओढ़ ले चुनर सादा,
जड़ी होगी और बैठ जाए अगर किनारे वो बैठ जाए अगर किनारे वो फिर नदी जोश से चढ़ी बैठ जाए अगर बैठ जाए अगर किनारे वो फिर नदी जोश से चढ़ी होगी किनारे वो फिर नदी जोश से चढ़ी होगी एक बिजली गिरी एक बिजली गिरी मेरे दिल पर एक बिजली गिरी मेरे दिल पर जब नजर शौक पर पड़ी होगी जब नजर शौक पर पड़ी होगी वो खिजा में अगर निकल जाए पत्थर वो खिजा में अगर निकल जाए हर तरफ फूलों की झड़ी आँख से आँख जब लड़ी होगी चैन की एक घड़ी बड़ी यूं ही महफिल में इकबाल का इंकलाब नहीं होता। अब चलिए आइए आप समझ में चल ग्रेजुएशन तक हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट को मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद दो राष्ट्रपति करके 40 सालों तक मशीन की गड़गड़ाहट सुनता कुछ समझ नहीं आता मैं क्या क्या करूँ क्या नहीं करूँ हालांकि मैं ज़्यादा एग्जीक्यूटिव था और मैं प्राइवेट संस्था में भी काम किया गवर्नमेंट में भी काम किया 11 साल मेवा टेक्चर में भिलवाड़ा में काम किया उसके लगभग 25 साल उदयपुर कंटर में उदयपुर जो प्रतापनगर में वहाँ पर काम किया उसके बाद 4 साल हिंदी में केमिकल एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री वहाँ पर काम किया 2010 में स्टार्टिंग प्रॉब्लम की वजह से मेरे सुपुत्र ने मेरी नौकरियाँ छोड़वा दी उसके बाद से लगातार मैं सोशल वर्किंग करता 2010 से 2013 तक के साथ में सेक्रेटरी था समाज का 2013 से
तो 2022 तक मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, तो मिलते कैसा सुभाष जनरल साहब का उदय था, उसके पश्चात मैं नेशनल सेक्रेटरी होते मिलते कैसा सभा था, क्योंकि एक राष्ट्रीय संस्था कायस्थों की एक राष्ट्रीय संस्था है, काफ़ी काम कर रही कायस्थों के लिए। पिछले 6 सालों से मैं वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट ये भी कायस्थों के चलता है, और अभी 8 तारीख को ही दिल्ली साहब के साथ मैं सूचीपूर्ण सभा कर रही हूँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अलग पोस्ट भी लगते हैं दिल्ली साहब के वहाँ पोस्ट भी, तो मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि इकबाल जब मैं 2010 से कह रहा था मैं गिरीश साहब साथ काम कर रहे थे, तो गिरीश साहब और इकबाल साहब भी साथ थे नवचेत संस्थान में, मैं जाता था चित्रकूट सभा के लिए, इकबाल साहब आते थे नवचे, और जैसे गिरीश साहब के बारे में आप सब जानते हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि मेरे बाल शाखा में रहें स्टूडेंट ग्रेजुएशन हमने साथ ही पढ़ाई की है। इस विभूति के बारे में कुछ कहना अपने शब्दों को छोटा करना, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आज मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, पर अगली दफे जब भी आऊँगा स्वरचित चाहे वो 4 लाइन ही जरूर लेके आऊँगा। धन्यवाद आदरणीय। अपना जो मंच है जी, अब मैं वही बोलने वाला ही हूँ। बिल्कुल वही बोलो। हाँ मैं वही बोलने वाला हूँ, जैसे कि बात हमने बस शुरू में कह दिया कि हम 4 सचिव बनाएंगे, क्योंकि हमारे नवकृति की चारों दिशाओं के अंदर पहुंच है और हम चाहते हैं उस पहुंच को बढ़ाना। तो महेंद्र कुमार साहब माथुर साहब के जो ये सामाजिक और वैचारिक जो अनुभव है वो अवश्य अवश्य हमारी नवकृति संस्था के लिए बहुत बहुत उपयोगी है, ये ना सर बस आप यही ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या तो नहीं होती है, लगता है महफिल चलती रहे पर चलना ही पड़ता है, समय की पाबंदी रहती है, हम सब लोग हैं। तो हमारे नए अध्यक्ष महोदय साहब से जैसा कि माथुर साहब ने बताया कि वो अपने आप में विभूति है, और हम तो ये जो चुनाव हुए ये सब उससे पहले से ही सभी से है ना आपकी तारीफ, आपके जो अंदर जो कर्मठता है, आपके जो एक्सपीरियंस है उसको सुनते आ रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी रचना से हमें सहयोग करें, आनंदित करें। आंसू नहीं आनी चाहिए। और मैं उन सभी सरस्वती के पुजारियों का पुजारी हूँ, इसलिए आपके बीच में खड़ा हूँ। जैसा कि अभी बताया गया कि पूर्व में भी आप मुझे ये सम्मान दिया, ये जो नवप्रति है उसके जितने भी सदस्य हैं सबका सरस्वती की असीम कृपा है और बनी रहे, इसी में आशा करता हूँ हमारी संस्था सदैव आगे से आगे बढ़ती रहे, क्योंकि उदयपुर का नाम शौर्य के प्रति है, धर्म के प्रति है, और संतों की भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, योगियों की भूमि रही है, और सरस्वती ये पूरा का पूरा किला ही उदयपुर है, यहाँ सरस्वती सबसे पहले विश्वविद्यालय यहाँ उदयपुर विश्वविद्यालय बना, और यहाँ पर इतनी शैक्षणिक संस्थाएं बनी हैं, और यहाँ पर क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र था कृषि की यहाँ पर कम उम्मीद थी, तो हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ पर शिक्षा का विकास शिक्षा की नगरी भी बनाने का प्रयास किया, और आज भी उदयपुर इस ओर बढ़ रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, विद्यापीठ के हिंदी विभाग, और जो स्वतंत्र रूप से चल रही साहित्यिक संस्थाएँ सरस्वती की वंदन करते हुए हमेशा आगे से आगे अपना काम तेजी से बढ़ रही है, और उदयपुर का हमारा एक नाम है, साहित्य अकादमी यहाँ पर है, मधुमती यहाँ से प्रकाशित होती है। अभी अभी कुछ समय पूर्व एक और पत्रिका उदयपुर से निकल रही है, अक्षय लोक में उसके चौबे जी संपादक हैं, तो संपादक मंडल में मुझे भी रखा है उन्होंने, और
मैं प्रयास करूंगा कि अपनी संस्था में जो रचनाएँ पढ़ी जाती है तो प्रतिनिधि रचनाएँ उसके अंदर छपे मैं चौबीस जी से बात करूँगा। अभी पुष्कर गुप्तेश्वर जी के कुछ दोहे उसमें प्रकाशित होते हैं हो रहे हैं और एकाध कवि के कुछ और रचनाएँ उसमें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कॉलम उनको मैं बताऊँगा कि उसमें एक साहित्यिक कॉलम रखें। और क्योंकि हमारी संस्था में जो अभी भी जो रचनाएँ पड़ेगी वे अधिकतर सामाजिक सरोकार व्यक्ति हैं और वो समाज तक उन रचनाओं का संदेश पहुंचना चाहिए, केवल यहाँ पढ़कर के पांच सात लोग हम सुनकर घर चले जाएँ ऐसा ना हो, समाज तक अपनी कविताओं का संदेश पहुँचे कि हमारे जो सरस्वती के पुजारी हैं वो क्या कहना चाहते हैं समाज को, समाज को क्या देना चाहते हैं, समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं, हम क्या विकास कर सकते हैं, इसे कहना चाहते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये कि आप अपनी रचना को लिखित प्रति रखें और आप अगर मुझे देंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि वो समाज तक उसको पहुँचाने का पूरा प्रयास रहेगा। मधुमती के निदेशक जी से भी बात करेंगे कि जो रचनाएँ पढ़ी जाती हैं उनको मध्यमती में भी स्थान मिले और ताकि एक ये जानकारी रहे कि उदयपुर में भी एक ऐसी संस्था चल रही है जो अच्छी रचनाएँ करिए उनका प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। मधुमती के अंदर अच्छे से रचनाएँ अच्छी रचनाएँ हमारा प्रतिनिधित्व वाले हैं, संस्था का भी नाम है, हमारे सदस्यों की संख्या में रहती है और अधिक से अधिक रचनाएँ हमारे सामने आए और सत्या बड़े बड़े अच्छी रचनाएँ युवा पढ़ी आपने अच्छी पढ़ी आप सबने अच्छी रचनाएँ उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने मुझे फिर से अध्यक्ष पद पर फिर से सम्मानित किया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रयास करूँगा कि संस्था के लिए कुछ कर पाऊँ, इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, हम सभी आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, हम दिनों दिन रातों रात दिन रात उन्नति करते रहेंगे। अब मैं सागरमल साहब से निवेदन करूँगा कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। आज हमारा संगठन हो गया है, इस गोष्ठी की सदस्यता की फीस के लिए 200 रुपया प्रतिवर्ष रखा है। सभी साहित्यकारों से बंधु निवेदन है मेरा, कर बंद वार्षिक शुल्क 200 रुपया प्रति सदस्य रखा है। और एक ये भी निवेदन है कि हमारा प्रयास है कि हर महीने की दूसरे संडे की भी हमारी गोष्ठी हो, अगर सभी का सहयोग हो तो दूसरा महीने की दो गोष्ठी, महीने का दूसरा संडे और चौथा संडे, ये क्योंकि महीने की दो गोष्ठी तो एक में अंतराल बहुत पड़ जाता है महीने का, और वो बात है कि खत्म ही रहती है, जहाँ इसलिए का चार है सभी का दूसरा संडे और चौथा संडे ये सभी का मानस हो। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया मैंने, ठीक है, एक प्रस्ताव पास हुआ ये हर महीने के दूसरे संडे और चौथा संडे। आपका अध्यक्ष में तो आपका आदेश अरे करेंगे तो आपके आपके आदेश करना हाँ, ताकि एक संडे महीने में आए और उस दिन में बाहर चला जाए तो हाँ सही बात है, दो संडे रख लेंगे तो दूसरे को नहीं आता एक पर ये प्रस्ताव पास हुआ।